हर संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है। परंपरागत मान्यता है कि कालिदास ने 8 सर्गों तक इस महाकाव्य की रचना की थी। अवशिष्ट 9 सर्ग किसी परवर्ती कवि के द्वारा रचे गए हैं। आदि प्राचीन टीकाकारों ने 8 सर्गों तक इस महाकाव्य पर अपनी टीकाएं लिखी हैं, तथा काव्य शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में भी कुमार संभव से जितने उद्धरण मिलते हैं वे 8वें सर्ग तक ही मिलते हैं। माता पार्वती के जन्म से लेकर शिव जी से उनके विवाह तक का कथानक ही 8वें सर्ग तक वर्णित है और कुमार के जन्म की कथा इसमें समाविष्ट नहीं है, अतः इसे अपूर्ण मानकर परवर्ती किसी कवि ने पूरा किया होगा, ऐसा संभव है। कालिदास जी की दृष्टि में 8वें सर्ग में ही काव्य पूरा हो जाता है। शिव जी और माता पार्वती के अटूट प्रेम और मांगलिक दाम्पत्य में कुमार के जन्म की संभावना निर्देशित है। महाकवि कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कुमार संभव कालिदास की ही एक और रचना है। कुमार संभव महाकाव्य से परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम आपको बहुत ही कम समय में कुमार संभव की संपूर्ण जानकारी देंगे। महाकवि कालिदास जी ने कुमार संभव की कथा का आरंभ हिमालय से किया है। हिमालय के विवाह पितरों की मानसी कन्या मेना से हुआ था। इसी दंपत्ति से कन्या पार्वती का जन्म हुआ था। धीरे धीरे पार्वती नव युवती हुई। यह अनुपम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से सामग्री संचित करके पार्वती की अंग रचना की थी। एक दिन नारद जी वहां आए और पार्वती को देखकर कहा कि यह शिव की पत्नी बनेगी। हिमालय शिव को जानता था। उन्होंने शिव जी से विवाह करना तो ठीक समझा, पर अपनी ओर से प्रस्ताव करना उन्हें उचित नहीं लगा। इधर सती की मृत्यु के बाद शिव जी हिमालय की एक रमणीय चोटी पर तप कर रहे थे। एक दिन पार्वती को लेकर हिमालय उनकी पूजा करने गया। फिर पार्वती ने शिव जी की पूजा की। पार्वती वहीं रहकर नित्य शिव जी की पूजा करने लगी। इस दृश्य का वर्णन कालिदास जी ने बहुत ही विधवत रूप में किया है। दूसरे सर्ग में तारकासुर के अत्याचार से दुखी देवता इंद्र को नेता बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख का कारण जाना और बताया कि तारका को महादेव का पुत्र ही मार सकता है। बस पार्वती को शिव की पत्नी बनाना है। इसके लिए इंद्र ने काम का आवाहन किया। काम आए वसंत को लेकर। इंद्र ने उसे अपना काम बताया कि शिव जी के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करो। काम उद्दत हो गए और अपने सहचर वसंत और पत्नी रति के साथ शिव जी के समाधि स्थल पर जा पहुंचे। वसंत ने सारे वातावरण को सकाम कर दिया और तब भ्रमर और भ्रमरी एक ही पुष्प में मधुपान करने लगे। ऐसे वातावरण में योगी शिव के समीप काम पहुंचा। उन्हें देखकर काम के धनुर्बाण अनजाने ही हाथ में आ गए। वह डरा, पर तभी सुंदरी पार्वती के रूप में उसे सहारा दे दिया। वह शंकर जी की सेवा करने आ पहुंची थी। उसी समय शिव जी की समाधि समाप्त हुई। यही अवसर था कि कामदेव अपना काम बनाता। पार्वती ने मंदाकिनी के कमलों की माला शिव जी को पहनाई ही थी कि काम ने शिव पर सम्मोहन अस्त्र चला दिया। शिव जी ने वातावरण की कामुकता का कारण देखा कि काम बाण प्रहार करने ही वाला है। क्रोध से शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि का प्रवाह निकल पड़ा और कामदेव जलकर भस्म हो गया। शिव जी ने निर्णय लिया कि स्त्रियों को निकट रहने देने का यही परिणाम है। वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती भी निराश हुई। तभी हिमालय उसे गोद में उठाकर अपने घर ले गया। दुर्दशा हुई रति की। चतुर्थ सर्ग में रति का पति के लिए विलाप है। वह सती होने ही वाली थी। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई देती है कि काम से शीघ्र ही तुम्हारा पुनः संगम होगा। कुमार संभव के 5वें सर्ग में पार्वती के पुनः तप करने के लिए गौरी शिखर पर जाने की चर्चा की गई है। उसने कठोर तप करना प्रारंभ किया। एक दिन एक ब्रह्मचारी वहां आया। उसने पार्वती से उसकी तपस्या करने का कारण पूछा। उस ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम किस प्रयोजन से तपस्या कर रही हो? क्या विवाह के लिए वर प्राप्ति चाहती हो? पार्वती जी ने निश्वास लिया तो ब्रह्मचारी ने जान लिया कि यही बात है। उसने कहा कि वह कौन व्यक्ति है जिसे तुम पाना चाहती हो? मेरी तपस्या से ही उसे पाओ, पर पहले बताओ कि वह कौन है।
पार्वती ने अपनी सखी से इस प्रश्न का उत्तर देने का संकेत किया। सखी ने कहा कि वह शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती है। फिर तो ब्रह्मचारी ने कहा, प्रयास कर रही हो मेरा? क्या शिव भी वर बनने के लायक हैं? उस ब्रह्मचारी और माता पार्वती में काफी नोक झोंक बताया गया है, काफी बहस होती है और अंत में पार्वती नाराज होकर वहां से जाने लगती हैं। जैसे ही जाने लगती हैं, वह ब्रह्मचारी रूप में शिव प्रकट हो जाते हैं और शिव माता पार्वती को समझाते हैं। पार्वती उन्हें स्वयं दास रूप में स्वीकार करने में असमर्थ थी। उसने कहा कि मेरे पिता मेरे दाता हैं। इसके लिए शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर नियोजित किया कि मेरे लिए हिमालय से पार्वती की याचना करें। ऋषि वहां से हिमालय आकर हिमालय से मिले और पार्वती की याचना की। विवाह की तिथि 3 दिन के बाद निर्धारित की गई। 7वें सर्ग में शिव जी की बारात के आने और उनके साथ पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। 8वें सर्ग में शिव जी और पार्वती के दाम्पत्य जीवन काम क्रीड़ाओं का वर्णन है। वे 1 मास तक ससुराल में ही रहे थे। इसके बाद यत्र तत्र सुंदर स्थानों पर भ्रमण करते हुए उन्होंने विहार किया। उन्होंने मेरु, कैलाश, मलय आकाश, गंगा, नंदनवन, गंधमादन आदि स्थानों पर विहारवास किया था। इस प्रकार कुमार संभव महाकाव्य की रचना संभवतः पूरी हो सकी। इसमें तो नायक कुमार का जन्म तक न हो सका, जिसकी पूर्व सूचना कालिदास ने 5वें सर्ग में ही दे दी थी। कुमार मतलब कार्तिकेय होता है। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। 8वें सर्ग के अंत तक पहुंचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कथा समाप्त नहीं हो पाई है, इसके आगे इसे चलना ही चाहिए। किसी महाकवि ने 8वें सर्ग के आगे की कथा तारकासुर वध तक 9 सर्गों में पूरी की है। इन 9 सर्गों में इस काव्य को ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कालिदास जी के जैसी रचना नहीं हो पाई है। कुमार संभव के 8 सर्गों तक की कथा वस्तु महाकाव्य के योग्य है और इस पर संस्कृत का एक सर्वोत्तम महाकाव्य प्रतीत होता है, लेकिन भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुसार यह कथा वस्तु रूपक के लिए अधिक समीचीन है। नाटक की कथा वस्तु से मेल मिलाने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि कथा वस्तु का रूप भव्य से बढ़कर दृश्य होने की योग्यता रखता है। कालिदास की रस विसक्ति विषयक सर्वोच्च संपत्ति को देखकर उन्हें रसेश्वर की उपाधि दी गई है। भारतीय काव्य में नायकादि के चरित्र का विकास नहीं दिखाया जाता। इस आरोप का अपवाद कालिदास की चरित्र चित्रण कला में मिलता है। उन्होंने एक तपस्वी मोक्षार्थी को काम परायण गृहस्थ बना दिया है। पार्वती के चरित्र में भी इसी प्रकार का विकास बन पड़ा है। अन्य काव्यों में इसके विपरीत नायक नायिका को प्राप्त करना चाहता है। वे नायक प्रधान काव्य है। इस काव्य में आदि से अंत तक नायिका का वृतांत कवि ने विशेष रुचि से वर्णन किया है। संभवतः ऐसा नायिका प्रधान काव्य विशेष रूप से श्रृंगारित होना ही चाहिए। कन्या भाव से उसे मुग्धा और मध्या नायिका में परिणत कर देना ही कालिदास की